तो वेलकम बैक गाइस। तो दोस्तों आज किसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे बिना किसी फ़ोन नंबर के एक इंटरनेशनल नंबर से अपना व्हाट्सएप अकाउंट बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है एंड फिर वहाँ सर्च करना है नेक्स्ट प्लस, और फिर आपको इस वाले ऐप पर क्लिक करना है एंड इसे सिंपली से इंस्टॉल कर लेना है एंड देन आपको इसे ओपन करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ नीचे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे गेट स्टार्टेड और साइन इन विथ यूजर नेम। तो आपको इसमें से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है एंड यहाँ साइन इन करने के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आपको सिंपली गूगल से साइन इन कर लेना है जो कि काफ़ी ईजी है। साइन इन करने बाद आपको अपना बंडल चूज करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक है प्रीमियम नंबर बंडल और एक है फ्री नंबर बंडल। प्रीमियम नंबर बंडल पेड है इसलिए आपको फ्री नंबर बंडल को ही चूज करना है एंड देन नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर लेता हूँ और फिर आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपके ईमेल पे एक 4 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड जाएगा जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली से अपना कोड एंटर कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे अपना स्टेट और एरिया कोड चूज करना है, तो इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी स्टेट चूज कर सकते हो और फिर आपको एक एरिया कोड चूज कर लेना है एंड देन आपको सिंपली क्लिक करना है गेट अ कस्टम नंबर पे। इतना करते ही आपको अपना एक कस्टम नंबर मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि माई नेक्स्ट प्लस नंबर में आपका कस्टम नंबर आ चुका है, और फिर इसे टैप एंड होल्ड करके रखने पे आपका कस्टम नंबर कॉपी हो जाएगा। और अभी आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। यहाँ पे आपको वही सेम बेसिक स्टेप फॉलो करना है जो कि आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट बनाने वक्त करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे बेसिकली वही नंबर पेस्ट करना है जो कि आपने नेक्स्ट प्लस ऐप से कॉपी किया था। इसमें प्लस वन USA का कंट्री कोड है, तो आपको प्लस वन हटा देना है एंड फिर प्लस 91 की जगह प्लस वन लिखना है क्योंकि ये नंबर USA का है। अब आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर व्हाट्सएप आपसे पूछेगा कि क्या ये नंबर सही है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद व्हाट्सएप आपके फ़ोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए उस पर एक 6 डिजिट का कोड भेजेगा। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये कोड कहाँ से आएगा, तो मैं अभी आपको यही बताने वाला हूँ। इसके लिए वापस से आपको अपने नेक्स्ट प्लस ऐप में आ जाना है जहाँ से आपने अपना कस्टम नंबर कॉपी किया था। यहाँ पर आपको बीच में स्क्रॉल वाले आइकन पर टैप करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा 6 डिजिट का व्हाट्सएप वेरीफिकेशन कोड आ चुका है जो कि है 887865। अब आपको वापस से व्हाट्सएप में आ जाना है एंड यहाँ पे वही सेम वेरीफिकेशन कोड को एंटर कर देना है। इतना करते ही आपका वेरीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मली आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट का नेम एंटर कर देना है। आप चाहें तो अपना प्रोफाइल फोटो भी लगा सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो गिव इट अ थम्स अप ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो कैसी बनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका व्हाट्सएप अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, वो भी बिना किसी फ़ोन नंबर के। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेसिकली नॉर्मल व्हाट्सएप ही है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें आपका नंबर नहीं है। अगर आपको अभी तक यकीन नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ कि ये व्हाट्सएप अकाउंट किस नंबर से बना हुआ है। यहाँ पे आप खुद से देख सकते हैं कि ये व्हाट्सएप अकाउंट उसी नंबर से बना हुआ है जो कि आपने नेक्स्ट प्लस ऐप से कॉपी किया हुआ था। अगर फिर भी आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आई विल गाइड यू। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बिना किसी फ़ोन नंबर के अपना व्हाट्सएप अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक का बटन टूट जाना चाहिए और हाँ सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ही था आज वाली वीडियो के लिए, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।